हाँ देखो, आज भगवान रामचंद्र का जन्मतिथि है। हनुमान जी को देख रहे हैं, सामने हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी स्वयं कहते हैं, मेरी ऐसे कुल में जन्म हुआ है, ऐसे जात में जन्म हुई है। सवेरे उठ करके हरे कृष्णा, अगर कोई सवेरे उठ करके मेरे नाम ले ले, अगर मेरे के मुंह को देख लेना, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। ये हनुमान जी खुद कहते हैं। लेकिन जगत में इतने पूजा मेरी क्यों करेंगे? सारा दुनिया में पूजा भगवान राम से देखना, ज्यादा पूजा किसके होती है? हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा होती है। राम का तो कोई एकांत मंदिर नहीं, लेकिन रास्ता रास्ता में जिधर जाओगे हनुमान जी का मंदिर देखोगे, है कि नहीं? तो हनुमान जी कहते कारण क्या है? बोले कारण है, बोले सो मेरे पवना सो तपा बनना, सो मेरे पवना सो तपा बनना, सो मेरे पवना सो तपा बनना, सो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। बोले सुमरी पवन सुत पावना, जो भगवान का जो पवित्र नाम को हनुमान जी दिन भर जप करते हैं, कहते आपन बस करे राम के राम। जो विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक भगवान राम को हनुमान जी कैसे वशीभूत कर लिया है? केवल भगवान के नाम को स्मरण करते हैं। इसलिए हनुमान हर्ष में क्या कहते हैं? बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति राघव राजा जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी भगवान सीताराम के नाम जप करते हैं, तभी जगत में इनकी पूजा हो रही है। बोले केवल हनुमान के नाम छोड़ दो, यदि ये नाम स्वयं शंकर भी यही नाम को श्री भोले बाबा भी जप करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले महामंत्र जय जप महेशा महामंत्र जी
कहते हैं, बोले पंचम में राम नाम गान त्रिपुरारी। स्वयं शंकर भी पंचकों में किसका नाम लेते हैं? भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। इसलिए काशी में सबके सब अंतिम श्वास त्याग देना चाहते हैं, बोले शरीर छोड़ना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति काशी में अंतिम श्वास का त्याग देता है, शंकर जी अंतिम समय में उनको कानों में प्रभु राम के नाम सुना देते। भगवान राम के नाम सुनने का वजह से उनको क्या होती है? उनकी मुक्ति मिली जाती है। इसलिए शंकर जी ये राम के नाम पर सभी जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या तो भैया शंकर की बात ही छोड़ दो, एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं। देखो भैया पार्वती क्या प्रश्न करती है, बोले प्रभु मुझे किसकी नाम जप करनी चाहिए, मेरे को किसकी नाम जप करनी चाहिए? शंकर स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती, बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना पर। उधर रास्ता छोड़कर बैठे, कहते जितने सारे आराधना में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तब से माता पार्वती भगवान विष्णु का 1000 नाम, 1000 भगवान विष्णु का नाम को जप कर चुकी। एक दिन शंकर जी भोजन मंगाए, बोले पार्वती भोजन ले आओ। बोले प्रभु आप स्वयं बताए भगवान विष्णु का नाम लेनी चाहिए, अभी 1000 नाम लेने के लिए तो समय चाहिए। समय चाहिए कि नहीं? समय चाहिए। आप बड़ी जल्दी भोजन की बात करते हो, थोड़ी सी रुक जाओ, पहले भजन उसके बाद भोजन। शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को और एक सरल नाम बताता हूँ जो परिश्रम तक कम होगा लेकिन ज्यादा फल मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं ना, परिश्रम कम हो और फल ज्यादा मिले। देखो शंकर स्वयं कहते हैं, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्त्रा नाम विपुलम श्री राम नाम बराने। बोले हे सुंदरी पार्वती, विष्णु का 1000 नाम लेने से जो फल मिलेगी, अगर किसने केवल एक बार श्री राम का नाम बोल दे, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जयकार में आनंद नहीं आया। कोई कहते जय, कोई कहते हे, अरे भगवान का जन्म लिया, जोर से बोलो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। हाँ भैया पता चलता भगवान की जन्म उत्सव मना रहे हैं। इसलिए बोले हे सुंदरी पार्वती, 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल मिलेगी, एक बार अगर प्रभु राम का नाम ले ले तो उसको वही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग देख लेना माता जी के 8 हाथ में 1 हाथ में माला है, 1 हाथ में माला है माता जी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सहसना मा सुनी प्रिय वाणी भजना सुनी प्रिय वाणी प्रिया भवानी शंकर जी बोले 1000 विष्णु नाम से जो फल मिलेगा, एक बार श्री राम नाम से वही फल मिलेगा। इसलिए तभी से माता पार्वती क्या कर रही है? भगवान श्री राम की नाम को जप करती है। इसलिए शंकर जी पार्वती को इतने क्यों प्रेम करते हैं? शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं? बोले एक ही कारण है, माता पार्वती भगवान राम के नाम को जप करते हैं। अगर हम भी भगवान राम का नाम जप करें ना, शंकर भी हमें प्रेम करने लग जाएंगे, शंकर भी हमें प्रेम करने लग जाएंगे। इसलिए नाम की इतने महिमा। बोले भैया शंकर की बात छोड़ दो, श्री गणेश जी, गणेश जी का नाम सुने कि नहीं तुम लोग? सुने गणेश जी का नाम? सब जानते हो ना गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है ना, होती है ना? क्यों गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है? देखो भगवान राम नाम की कितने महिमा। आज इनकी जन्म तिथि है ना, बोले एक समय 33 करोड़ देवता की मीटिंग बैठी, बोले 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए?
भले ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी पहले पूजा होगी। अभी विश्व ब्रह्मांड में पूजा होगी, फिर 33 करोड़ देवता में पहला पूजा कोई साधारण बात है। अब देखना ये पंजाब है ना, इसका मुख्यमंत्री कौन है? देखो इसलिए देखो केवल एक मुख्यमंत्री के लिए कितने पार्टी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत बड़ी कितने पार्टी बनी हुई, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? साधारण केवल भारत का, लेकिन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता को अंदर में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? ये कोई साधारण बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी हंस वाहन में उड़ चले, कार्तिक कौन सा वाहन है? मौर वाहन में उड़ चले, अपना अपना वाहन को लेकर के जो जितने जल्दी पहुंचेगा उसको पहले पूजा होगी। इतने में गणेश जी चुपचाप बैठे हुए, गणेश जी के वाहन कौन है? अरे बोलो जोर से, चूहा। अभी चूहा को लेकर कहां जाए? वो तो चुपचाप बैठे हुए। इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है, जो विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहला आ जाएगा उसकी पहले पूजा होगी। अभी मैं कहां जाऊं? बोले एक काम करो, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इससे बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से हरि को सागर को लंग सके ना बिना ही पुल के राम। भगवान राम को लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी कि नहीं? लेकिन हनुमान ने कोई पुल बनाए? बात जय श्री राम। एक बार प्रभु राम का नाम लिया, सात समुद्र को लंग गए। इसलिए श्री नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, लिखो राम का नाम को, लिखो राम का नाम को लिखो और तीन बार परिक्रमा कर लो। क्यों? हरि से बड़ा हरि का नाम है। जितने सारे देवता केवल एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पता नहीं कितने सालों में आएंगे, लेकिन भगवान को अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान के अंदर में विद्यमान, अनंत करोड़ भगवान के विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। इसलिए जो नाम की परिक्रमा कर लिया मतलब दिया, बोले एक ब्रह्मांड नहीं, तुमने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को तुम्हारी परिक्रमा हो गई, और जितने सारे देवता थे पता नहीं कितने सालों में कहां घूम घाम करके एकदम शरीर से पसीना बह रहा था आए, मीटिंग हुई, सबसे पहले कौन परिक्रमा की? किसने बोल दिया? मैंने की। किसने बोला? मैंने की। हनुमान श्री गणेश जी बोले चुप बैठो, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पता नहीं कितना दिन में आए, मैंने तो अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को मैंने एक मिनट में मैंने परिक्रमा लगा दी। जितने सारे देवता तो बड़े जोर से ठाल लगा कर हंसे। चूहा जिसका बाहर जहां के तहां बैठा हुआ और कहता है मैं अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा लगाई। इतने में श्री नारद जी बोले नहीं, ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने प्रभु राम के नाम को लिख करके, क्योंकि भगवान से बढ़कर के उनका नाम है, और भगवान के अंदर में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड प्रभु राम के अंदर में विद्यमान। इसलिए पहला परिक्रमा किसकी हुई? किसने किया? श्री गणेश जी। गणेश जी जयजयकार हो गई,
गणेश जी का जय जयकार हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले माही मजा सो जा आना गणराओ, माही मजा सो जा हनुमान जी प्रभु राम की महिमा का समझ गए, इसलिए सबसे पहले किसकी पूजा हो रही है? श्री गणेश जी की। आप भी चाहते हो जगत में हमारा नाम, दुनिया भी चाहते ना, कौन नहीं चाहते जगत में हमारे नाम हो? सबके सब चाहते हैं हमें सम्मान मिले, जगत में मेरे नाम हो, सब दुनिया चाहते हैं ना। अगर हम चाहते हैं दुनिया में हमारे नाम हो, पूजा हो, फिर क्या करना चाहिए बोलो? आप लोग बोलो क्या करनी चाहिए आपको? अरे बोलो भाई, झूठ कैसे हो गए हो? भगवान की नाम लेनी चाहिए। देखो आज इनकी जन्मतिथि है, प्रभु राम की जन्मतिथि है। देखो जन्मतिथि में आने का तभी फल मिलेगा पूरा रूप में, जब आज से अगर हमने प्रभु राम के नाम को जीवन बना लिया। अगर चाहते हैं हनुमान जैसे पूजा हो, गणेश जैसे पूजा हो, शंकर जैसे पूजा हो, देवी मैया जैसे पूजा हो, फिर किसको आश्रय ग्रहण करनी चाहिए? भगवान नाम को आश्रय ग्रहण करो, देखोगे दुनिया में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, बोले जय को ये बोल दो जोर से बोलो ना, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। हमारे प्रभु जी आपको एक ब्रज का कीर्तन सुनाएंगे, अब सबके सब पीछे ताली बजाते हैं, जो नाच सके नाचना, मैं तो ताली बजा तो भजन का बोलो। जब जरूरत तब निकालो बोलो। हरि बोल, हरि हरे कृष्ण, वृषभवृषावन बिहारी लाल की जय, वृषभवती राधा रानी की जय, वृष युगल सरकार की। ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो Yeah।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वृंदाय तुलसी दिव्ये व्याय कीश्वस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले गुरुपाद पर नित्यलीला परमेश्वर विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्यलीला परमेश्वर विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति विनायक श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी पूज्यपाद भक्ति विनायक श्रीधर गोसाई महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी उपस्थित वैष्णवों और वैष्णवों के चरणों में यथायोग्य दंडवत करना। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज रामनवमी की तिथि है। जितनी भी भगवान की तिथियां होती हैं एकादशी तिथि उसमें तो भगवान का साक्षात वास है और उसके अलावा जितनी भी भगवान की तिथियां आती हैं जैसे कि अक्षय तृतीया हो गई रामनवमी आ गई दीपावली इन तिथियों का बड़ा विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में। और आज के दिन किया गया कुछ भी भगवान के निमित्त व्रत रखना भगवान का नाम जप करना संतों का संग इसमें समझो पूरा गेन है। इसमें कुछ भी हानि है ही नहीं इतना लाभ है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है हमारा हमारे बीच में महाराज जी हैं वृंदावन से। महाराज जी हर समय प्रचार में रहते हैं अभी भी रामनगर में महाराज जी कथा करके आए हैं वहाँ उत्तराखंड में पड़ता है रामनगर वहीं पर महाराज जी की कथा थी सात दिन भागवत की और कल से महाराज जी की कथा संगरूर में है सात दिन तक वहाँ कथा होगी भागवत महापुराण की। हर समय महाराज जी प्रचार में रहते हैं और प्रचार में मुख्य उद्देश्य क्या रहता है उद्देश्य रहता है कि जो हम जैसे मेरे जैसे जीव हैं जो संसार में रमे हुए हैं विषयों में रमे हुए हैं उनको भगवान की ओर उन्मुख करना यही महाराज जी का कथा करने का उद्देश्य है और किसी भी प्रकार के अन्य उद्देश्य को लेकर महाराज जी कोई कथा नहीं करते। बस एक ही उद्देश्य है किसी प्रकार से भी जीव जो है भगवान की तरफ उड़ जाए। आज भी जब महाराज जी सुबह मैं महाराज जी को प्रणाम करने गया तो आज का तो दिन इतना बड़ा है आज तो जितनी मर्जी कथा हो सकती है राम नवमी है राम जी की रामायण राम जी मानस का पाठ कर सकते हैं कितनी आपको रामलीला सुना सकते हैं सब कुछ है। लेकिन महाराज जी कहते हैं आज मैं राम नाम पे ही चर्चा करूंगा ज्यादा। क्यों?
क्योंकि किसी भी तरीके से हमारे हृदय में ये पता हमें घुस जाए कि राम का नाम बहुत ही जरूरी है, भगवान का नाम लेना। कलयुग में और कोई कोई गति नहीं है भगवान के नाम के बिना। इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने क्या लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। सुमिर सुमिर नर उतर ही पार, सुमिर भगवान का नाम सुमिर सुमिर के ही हम पार उतर सकते हैं भवसागर से, अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। कलि संतरी उपनिषद में लिखा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, कि केवल हरि का नाम केवल हरि का नाम केवल हरि का नाम ही कलयुग में और कोई गति नहीं है नहीं है नहीं है। तो मेरे गुरुदेव श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बोलते थे कि ये बार बार शब्द क्यों यूज किया गया, नहीं है नहीं है नहीं है, और एक ही शब्द हरि का नाम ही हरि का नाम ही हरि का नाम है, क्योंकि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति शास्त्र में नहीं की जाती। जब कोई अच्छा टीचर बोलता है ना तो वो एक शब्द एक बार बोलता है, बार बार रिपीट नहीं करता, सुनना जिसको सुनो जिसको नहीं सुनो ना सुनो। इसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज जब ग्रंथ लिखने लगे, उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे तो उन्होंने एक ही शब्द को तीन बार लिख दिया, हरे नाम हरे नाम केवल, ऐसा क्यों लिखा? लेकिन उसका कारण है वो भगवान के अवतार है, यहाँ पे उन्होंने जोर डाल दिया इस बात से। जब कोई बात जोर डाल के बोली जाती है तब फिर क्या है, उसको पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, तो उन्होंने पुनरावृत्ति कर दी यहाँ पे, और फिर बोले चलो ठीक है, हरे नाम हरे नाम तीन बार बोल दिया, नास्ती 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 तीन बार बोलने से क्या हो जाएगा, नहीं है नहीं है नहीं है, बोले नहीं है ना योग से होगा ना कर्म से होगा ना ज्ञान से होगा, जितनी मर्जी कुंडलिनी जागृत करते रहो कुछ नहीं होने वाला, जितने मर्जी ध्यान के शिविर लगा लो और जितना मर्जी कर्म कांड के चक्कर में फंसे रहो कुछ नहीं होगा, नहीं है पहला नहीं है कर्म के लिए, दूसरा नहीं है ज्ञान के लिए जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, तीसरा नहीं है योग के लिए अष्टांग योग जिसमें बोला जाता है ध्यान तक जाता है समाधि की अवस्था तक, तो तीनों से नहीं होगा भैया, सिर्फ किससे होगा, भगवान के नाम से होगा। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिख दिया कि निर्गुण ते ही भांति बढ़ नाम प्रभाव अपार कहूं नाम बढ़ राम ते निज विचार अनुसार। अरे भैया निर्गुण ब्रह्म से अर्थात जो सोहम सोहम का जप करते हैं उससे तो राम नाम बड़ा है ही, उसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं है, बोले उसकी तो बात ही छोड़ दी, कहूं नाम बढ़ राम ते, मैं तो इतना कहता हूँ कि राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है, निज विचार अनुसार अपने विचार से बोलता हूँ। इसी चीज को हमारे संत हुए रूप गोस्वामी पाल हमारे संप्रदाय में जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उन्होंने एक बहुत बड़ा श्लोक लिख के इस चीज को लिखा, तुलसीदास ने छोटे से दोहे में लिख दिया, तो उन्होंने कहा वाच्य 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 उदेति भवतो नाम स्मृतम पुरुष मात परमेव अनिति करुणम तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहित अपराध निवह प्राणी समन्ताल भवे जास्ते विदो उपास्ते तोपि सदा आनंदानुभूतो वच्यति। अरे भैया वाच्य वाचक, एक तो वाच्य है एक वाचक है, वाच्य किसको बोला जाएगा, जो नाम जप करते वाचक जिसका नाम लिया जा रहा है, बोले वाच्य और वाचक में कौन बड़ा है, जिसका नाम लिया जा रहा है, जो नाम हम जप कर रहे हैं वो बड़ा है, नाम नाम से भी बड़ा है, नाम राम से भी बड़ा है, कृष्ण से भी बड़ा है, नाम कृष्ण नाम से कृष्ण नाम है जो कृष्ण से बड़ा है। और इसकी वो पूरी तरह से वहां पे वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि भगवान का नाम तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा तो क्या होगा, भगवान का नाम लेने से सदा आनंदा गुरु मज्जती, हर समय आनंद के समुद्र में गोते लगाएगा। और हम किस समुद्र में गोते लगाते हैं, विश्व के समुद्र में, हर समय दिमाग में कोई ना कोई चिंता चलती ही रहती है। लेकिन जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया, मीरा जी ने नाम का आश्रय लिया था, रैदास जी पास में बैठे हैं और कैसे संत है चमड़ा रंगते हैं, तो मीरा जी शाम को रात को उनको मिलने गई और वो चमड़ा जो काट रहे थे उसके खून के छींटे मीरा जी में पड़ गए, तो बोली गुरुदेव ये क्या हो, बोले तो रंगी गई, और वो क्या कहने निकल दिया बाहर, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, ऐसी वस्तु अमोलक दे दी है मेरे सतगुरु ने जिसको कृपा करके मैंने प्राप्त कर लिया, आगे क्या बोलिए, खर्च न फूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवाए, ऐसा नाम दिया है भगवान का जो खर्च करने पर खराब नहीं होता खत्म नहीं होता और चोर उसको लूट नहीं सकता, और ऐसा बैंक जो सवा गुना ब्याज दे देता है रोज, दिन दिन बढ़त सवाए दिन दिन बढ़त सवाए, आज 100 नाम जपे कल उसका 125 होके मिल जाएगा अकाउंट में जमा हो जाएगा कल का फिर आगे, ऐसा कोई बैंक है जो सवा गुना ब्याज देगा रोज, हो गई एक महीने बाद देगा साल बाद देगा, ऐसा नाम की महिमा गई।
तो नाम की महिमा को हृदय में उतारना चाहिए हमें। महाराज जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ जीवों को यही सिखा के आते हैं कि भैया भगवान का भजन करो, भक्ति करो, इसी का उपदेश देते हैं। इसी के लिए जगह जगह हर समय एक एक दिन का भी विश्राम नहीं रखते बीच में। अभी कल रात को वहाँ कथा समाप्त हुई है, सुबह यहाँ आके दिन प्रोग्राम है, शाम को फिर प्रोग्राम है सरनपुर में आज राम जी का। कल से कथा शुरू हो जाएगी, 17 तारीख को वहाँ कथा समाप्त होगी, 17 को रात को ही निकल जाएंगे, 18 से फिर कथा शुरू है। मतलब हर समय महाराज जी का एक ही उद्देश्य है बस कि किसी प्रकार से हमारा जो है भगवान की तरफ हम उन्मुख हो जाए। और जब भगवान की तरफ उन्मुख हो गए तो फिर बस सन्मुख हो ही जीव हो ही जब ही जन्म कोटि अघनाशे तभी। भगवान ने कहा है राम जी ने, जब जीव मेरी तरफ उन्मुख हो गया तब उसके करोड़ों जन्मों के पाप एकदम से अघनाश हो जाता है, होता है पाप, उसी समय उसके पाप सारे नाश हो जाते हैं। और नहीं तो जितने मर्जी यज्ञ करते रहो, जितने मर्जी गोदान करते रहो, जो मर्जी करते रहो अनुष्ठान बड़े बड़े, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है गुरुमुख होना, ऐसे संतों के सानिध्य में रहकर हरि कथा श्रवण करना हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। महाराज जी हमारे बीच में है, कहने को तो कथाएं बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी मूल कथा क्या है कि अगर हम नाम से जुड़ जाए, नाम का आश्रय ग्रहण कर लें, जिस उद्देश्य से महाराज जी यहाँ पर आए हैं। महाराज जी बाद में भी आते रहेंगे, अगर आप लोग बुलाएंगे महाराज जी को, महाराज जी तो इसी चीज के लिए घूम रहे हैं। लेकिन बात वही है कि बार बार जो कहने की है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मोड़ना पड़ेगा भगवान की तरफ। सिर्फ सुनना मात्र नहीं है कि सुना, बहुत सुन लिया आपने, बहुत भागवत कथा अटेंड कर ली, बहुत रामायण सुनी हुई है, टीवी पे भी देखा है, लेकिन फिर भी हृदय में आता नहीं। मेरे गुरुदेव एक बात बोलते थे, बोले माँ बच्चा टीवी देख रहा है और माँ उसको बुलाती है किचन में बार बार, रोटी खा ले, पराठे तैयार हो गए, रोटी खा ले 10 बार बोलती, 10 बज गए, बोलती है कोई आता है, बोलती मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। तो बोलते थे क्या उसका बच्चा सुनता नहीं है, क्या उसको बहरा है, बच्चा तो बहरा नहीं है, लेकिन माँ बार बार क्या बोल रही है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। हम भी वही वाले बच्चे हैं, बच्चे को सुनता तो है लेकिन वो इतना मगन है टीवी देखने में कि उसको उसकी मम्मी बुला रही है, वो उसको सुनता ही नहीं, बार बार ऐसे बोलता है हाँ आ रहा हूँ, फिर टीवी देख, इसको टीवी में इतना ध्यान लगा पड़ा, सुनता तो उसको है लेकिन फिर भी माँ के नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं। इसी प्रकार गुरुवर हमें बार बार पुकार रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ, आश्रय ले लो नाम का, लेकिन हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। एक छोटी सी कथा बताता हूँ कि एक बार नौका में ना केरला की में चले गए, केरल बड़ी अच्छी जगह है, बड़े वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बड़ी ग्रीनरी है। तो कुछ लोग लुधियाना में परेशान थे, एक इंजीनियर इकट्ठा हुआ मिले, डॉक्टर मिला, भैया कोरोना काल चल रहा था, चलो अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, डॉक्टर की कंसल्टेशन भी ऑनलाइन है, इंजीनियर की भी ऑनलाइन है, एक सीए थे, सीए बोल रहा मैं भी अपना काम ऑनलाइन कर लूंगा, चलो चलते हैं घूमने। तो वो केरला चले गए, वहाँ पे एक नौका में बैठे हुए, तो वहाँ नौका में जब बैठे तो नौका वाला अपनी भाषा में, गवारू भाषा में कोई गीत गा रहा था अपनी भाषा में। तो उसको बोलते हैं कि तुझे कुछ पढ़ाई की है तूने या ऐसे ही है? तो बोला बाबूजी मैं तो पढ़ाई की नहीं, मैं तो बस लिखना भी नहीं जानता, अंगूठा छाप है। बोले तेरी तो जिंदगी बेकार है। तो वहाँ पे वो जो इंजीनियर बैठा था उसको बोलता है कि तुझे पता है लाभ कंजर्वेशन मोमेंटम किसको बोलते हैं, लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, फैराडे लॉ किसको बोलते हैं, पंखा किस सिद्धांत से बोलता है, कुछ पता भी है? बोला बाबूजी मुझे तो कुछ नहीं पता, बोला तेरी तो आधी जिंदगी बेकार है। फिर जो सीए बैठा लोग, बोला तुझे पता है डेबिट पार्ट काउंट से क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तुम्हें पता भी है कैसे होता है, सारी बैलेंस शीट कैसे बनती है, हिसाब कैसे होता है? बाबूजी मुझे तो कुछ नहीं पता। वो तो इतना बताए नौका में पार लगाने का 10 रुपये लेता है, बोले तेरी जिंदगी बेकार है 25%, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए हिसाब किताब। और फिर दूसरा जो डॉक्टर बैठा था वो बोला तुझे पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, जो हम खाते हैं इतना फूसते हैं रोज कैसे पचता है, वो पता भी है कुछ कैसे कैसे कितने प्रकार के रस बनते हैं भोजन पचाने के लिए? बोला बाबू जी मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो डॉक्टर भी बोला तेरी जिंदगी बेकार है। इतने में थोड़ी देर बाद जो नौका थी उसमें हो गया छेद, अब जो नौका चलाने वाला था पागल बेचारा गवारू, पता क्या बोलता तीनों को, कहता बाबू जी आपको तैरना आता है? बोले नहीं, बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। मतलब क्यों? क्योंकि कहता नौका में हो गया छेद में चला, उसने लगाई छलांग उसको तैरना आता तो पार लग गया, और जो इतनी इंटेलिजेंट है वो पड़े रह गए बीच में। तो इसीलिए जब तक हमें पार लगने की तरीका ही नहीं पता यहाँ से, तो इतनी नॉलेज, इतना जाति का अभिमान, बड़े बड़े घर, बहुत ज्यादा कुल मर्यादा, सब कुछ करने का फायदा क्या? तो इसी को हमारे महाराज जी हमें सिखाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। गुरुवर इसीलिए आते हैं कि अज्ञान का अंधेरा मिट जाए हमारे हृदय का,
तो आप समारोह से प्रार्थना है महाराज जी की कथा को ध्यान से श्रवण कीजिए। फिर भी कभी हमें सौभाग्य मिलेगा, महाराज जी को मिलेगा, उनके अगर चल रस जहाँ पड़ेगी तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। आज का दिन तो ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने हृदय में अयोध्या बनाते हुए हर व्यक्ति मेरे गुरुदेव कहते थे नारायण गोसाई महाराज जी, अपने हृदय को वृंदावन बनाओ, अपने हृदय को अयोध्या बनाओ, तभी राम जी का वास होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो वो हृदय वृंदावन कैसे बनेगा, अयोध्या कैसे बनेगा, जब हम नाम जप करेंगे, संतों का आश्रय ग्रहण करेंगे। इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी प्रभु जी महाराज जी को माला पहनानी थी, जो हरे देखिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाने आए हैं, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया और सुखदेव गोस्वामी ने सीधी कथा सुनानी शुरू कर दी। मंगलाचरण का भी समय नहीं लिया, इसी प्रकार आज महाराज जी ने यहाँ पे किया, आपको सीधी कथा सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि समय बड़ा कम था, तो भी थोड़ा सम्मान महाराज जी का। ये प्रभु जी हमारे श्यामलाल कल आए थे, प्रभु जी वृंदावन आए थे, हमारे साथ रहे थे कार्तिक मास में, तो हम लोग इनको दर्शन कराने जाते थे, इनको बड़ा ही आनंद आया वहां पे। हमारे ऋषि भैया हैं, इनको कौन नहीं जानता है यहाँ पे, इनके पिताजी हमारे पापा जी, अभी वो थोड़े दिन पहले महाराज जी आश्रम है ना वृंदावन में, पापा जी उनके पुत्र हैं, उनके इनके दूसरे भैया भी बड़े भैया भी रहते हैं, ऋषि आ जाइए प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कितने लोगों को इनके परिवार ने भक्ति में लगा दिया, बसेरे लेकर के जाना, सबको खिलाना पिलाना, कथाएं सुनाना रात रात भर। ये पापा जी के बड़े बड़े वो सेवा की महाराज जी उन्होंने बहुत सेवा की। हरे कृष्ण, एक बार सब हाथ उठाने बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। सब बात एक बार बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री कुलदेव की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की। देखो आज भगवान राम का जन्मतिथि है, आज हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। भगवान कहीं जन्म नहीं लिए हैं, भगवान कहाँ पर जन्म लिए, हमारे भारत भूमि में जन्म लिए। जितने सारे भगवान के अवतार देखो, राम कृष्णा नरसिंह कुर्मा मत्स्य, कहाँ पर जन्म हुए ठाकुर जी, हमारी भारत में जन्म हुई। इसलिए हमारा देश का नाम है भारत। भारत मतलब क्या होता है, बोले भा मतलब होता है प्रकाश है, रत मतलब होता है जो लोग हर समय प्रकाश का तरफ में रत रहते हैं, इसलिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भारत हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, बोले प्रकाश किया है, बोले राम की भक्ति,
राम का प्रेम ही प्रकाश है। मतलब हर समय जो राम की भक्ति प्रेम में जो प्रकाश रहते हैं, ये सब के सब ये भारतवासी हैं। इसलिए किसने हमारे गुरु जी को बोले बोले गुरुदेव, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। बच्चे क्या नहीं सुनते हैं? सभी का एक ही बात, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। देखो हमारे गुरु जी ने क्या बोले, बड़ी अनमोल बात बोली। बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, रामायण पढ़ाएगा नहीं, फिर बच्चा उसको सम्मान कैसे कर सकता है? किंतु कहां पर बताया गया पिता माता की आदेश पालना करनी चाहिए? कौन सा ग्रंथ में बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए? ये रामायण हमें सिखाता है, रामायण है ना। बोले प्रातः उठ रघुनाथ माता पितो गुरु माई माता। भगवान राम स्वयं भगवान ठाकुर जी भगवान है, लेकिन सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, क्या करते थे? प्रातः उठ ही रघुनाथा और मात पित गुरु नमई माथा, सबसे पहले पिता माता के चरण छूते थे। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब श्री दशरथ महाराज सैन्य किए होते, भगवान स्वयं पिताजी के चरण की सेवा करते, देखे कि नहीं? आप बताओ हम लोगों के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले उठ करके पिता माता के चरण छूते, कौन सोचते? एक माता जी हाथ उठाए, ताली हो जाए माता जी के लिए। हाँ, इनके बोले पतिदेव बहुत हरि नाम करते हैं। इसलिए देखो, इसलिए सबसे पहले उठकर क्या करनी चाहिए? पिता माता की, सास ससुर की सबसे पहले हमें चरण छूनी चाहिए। अब बताओ भगवान राम पितृ आदेश को पालना करने के लिए कितना साल तक वनवास गए थे? बोलो कितना साल तक गए थे वनवास? 14 साल तक। लेकिन अपना माता जी के आदेश पालन करने के लिए नहीं, अब रामायण देखे होंगे ना, भगवान को स्वयं दशरथ महाराज मना कर रहे हैं, बेटा तू मत जा। लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाए, है प्राण चली जाए, लेकिन नहीं, पिताजी के आदेश उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। अरे अपना माता जी के आदेश पालन करने के लिए नहीं, वो कई कई बीमाता की आदेश, अपना कौशल्या नहीं बोल रहे थे, बीमाता कई कई की आदेश पालन करने के लिए ठाकुर जी 14 साल तक वनवास गए। अगर हम अपना बेटे को बोलते हैं बेटा तू मेरे सेवा के लिए, नहीं तो मेरे आदेश के लिए, तू 14 दिन के लिए कहीं आदेश पालन करने के लिए जा, आप लोग बताओ तुम्हारी बेटा जाएगा कि नहीं? बोलो सही सही बोलो, जाएगा जाएगा। वो हनीमून बनाने के लिए 14 दिन तक जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए 14 दिन के लिए नहीं जाएगा। ये हमारे गुरु जी कहते थे। बोले क्यों? कारण है हम स्वयं रामायण पढ़ते नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते, बेटा ले पबजी देख, दिन भर कार्टून देख, दिन भर उल्टा पुल्टा फिल्म देख, ले ले बेटा, उसको क्या पकड़ा देते? स्मार्टफोन। करते कि नहीं बोलो? करते हैं। लेकिन बच्चों को कभी रामायण नहीं सिखाते हैं, गीता नहीं पढ़वाते हैं। इसलिए हमारी धर्म है ना धीरे 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 घटते घटते जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान का धर्म धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? आप लोग देखोगे हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में उस तरफ में कथा करते हैं, वैसे तो वृंदावन में रहते हैं। जब शुक्रवार होता है ना, वहां के मुसलमान भाई लोग अपना छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं और मेन रोड को जाम कर देते हैं वहां पर, और वहां पर लेकर उनको कलमा उच्चारण कराते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं, हैं पढ़ाते। मैं गया था कहीं कथा करने के लिए जयपुर, वापस आ रहा था, देखा 10 साल का एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? तब उसने जो नाम बोला पता चला वो मुसलमान है। मैंने कहा तेरे को कुरान आती है? बोले हाँ आती, बुला कर कहता कुरान आती है। बोले बोलो, झटा झट कुरान शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में
कितने साल उम्र से बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, वो कहता है कंपल्सरी 2 साल से बच्चा हो जाए। अभी हम गए थे जम्बू कथा करने के लिए, जहां रुके थे पास में मस्जिद का, सवेरे 5 होते बच्चों का हयोल्ला शुरू हो जाता है। क्यों? वो अपना छोटे छोटे मुसलमान लोग मस्जिद में बच्चों को ला करके कुरान पढ़ाते थे, वहां कुरान पढ़ना सवेरे 5 बजे। हाँ बताओ, हमारे हिंदू में से कौन माता पिता है जो बच्चे को बोलते रामायण का 2 चौपाई पढ़े बेटा, गीता की कोई श्लोक बोलो? कोई बोलते हो? एक माता जी बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं, उसको नहीं बोलते। उसको पूछो कौन हीरो का नाम, कौन हीरोइन का नाम, सब याद है। आप लोगों को सबका भी याद होगा, सारे हीरो हीरोइन का नाम याद होगा, लेकिन गीता का कोई श्लोक याद है क्या? रामायण का कोई चौपाई हमारी याद? इसलिए तो हमारे धर्म में इतने घटते क्यों जा रहे हैं? कारण यही है, धर्म के प्रति हमारी जागरण नहीं है। अभी आपको पता होगा, धीरे धीरे हर देश से जो हिंदू राष्ट्र पहले बहुत बड़ी थी, इंडोनेशिया पे सारा दुनिया में थी, अभी उनको भगाते भगाते केवल भारत सीमित रह गया। अगर अभी हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे ना, ये भारत में भी आप रुक नहीं सकते हो। एक दिन यहाँ से भी आपको खदेड़ देंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। क्यों? मुसलमान का इतने क्यों धर्म का प्रति इनकी विश्वास क्यों है? आप देखना, कोई क्रिश्चियन किसी मुसलमान बच्चे को बोलो, कभी सुने हो कोई क्रिश्चियन कोई मुसलमान बच्चा कभी अपना धर्म का विरोध में कोई कुछ बोले? एक मुसलमान को आप नहीं दिखा सकते अपना विरुद्ध में कुछ बोलते हुए। अगर अपना विरुद्ध में कोई बोलने वाले होगा तो धर्म हिंदू ही हिंदू धर्म का विरोध में बोलता है। मैं कुछ दिन पहले सुदर्शन चैनल देख रहा था, वहां पर कोई कोर्ट का कोई है, कोर्ट का कोई जज ने बोले शंकर जी को ले आओ कोर्ट में। आप देखे होंगे कि नहीं पता नहीं मेरे को, बोले शंकर जी को कोर्ट में आना पड़ेगा। एक छोटी जो ठेला गाड़ी होता है ना, उसमें शंकर जी को बैठा करके कोर्ट ले जा रहे हैं। कोई हिंदू विरोध करने वाले ही मुसलमान धर्म में होता तो पूरा पता नहीं क्या बमंड में मट जाए। हाँ, इसलिए क्या करो, आप स्वयं देखो, बच्चे तभी भजन कर सकते हैं, तभी गीता रामायण पढ़ेंगे। पहला गुरु कौन है? माँ है, उसके बाद में पिताजी है, पहले माँ है उसके बाद में पिताजी है ना, उसके बाद में। इसलिए अगर माता जी अगर भजन करेगी, पिताजी अगर भजन करे, गले में तुलसी कंठी हो, तिलक हो, अगर भजन करोगे तभी तो बच्चे भजन करेगा ना। अगर हम स्वयं गीता रामायण नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कभी भी सुधर सकते। पहला संस्कार तो पिता माता से ही पढ़ना है ना। इसलिए क्या करो, जागृत हो, हरिनाम करो, माला करो, गले में कंठी पहनो, तिलक पहनो और हनुमान जैसे बनो, भगवान राम की जैसे हनुमान जैसे भक्त बननी चाहिए, है ना, तभी तो होगा ना। हैं? इसलिए हम भगवान के नाम की महिमा बता रहे थे। जब ये रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण में था 1 लाख श्लोक है। कितना श्लोक है, जोर से बोलो, 1 लाख। जब ये रामायण वाल्मीकि ने लिखे, इतने में क्या हुई, अभी देवता और दैत्य और इंसान में लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग कहते हैं ये श्लोक हमें मिलनी चाहिए, दैत्य लोग कहते हैं हमें मिलनी चाहिए, इंसान कहते हैं हमें मिलनी चाहिए। बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, एक काम करो, जिसने ये ग्रंथ लिखा है उनको पास में चलो। बोले सर्वप्रथम किसने ये रामायण लिखे? बोले शंकर जी। पहले उन्होंने हृदय में रचना करके रखे, उसके बाद में वाल्मीकि तुलसीदास जी ने जो लिखे। लेकिन इसकी जो मूल जो रचयिता श्री भोले बाबा, बोले श्री भोले बाबा की, बोले उनको पास में चलो। वो क्या करते हैं देखो, शंकर जी को पास में गए, देवता दैत्य इंसान, बोले भैया लड़ाई पढ़ाई मत किया करो, लड़ाई से कोई लाभ नहीं, तुम लोग अभी बैठ जाओ, अभी तुमको तुम्हारी अंदर में इसको मैं बंटवारा कर देता हूँ। तब उन्होंने 30,000 तीनों को दे दिया। अभी कितना हजार बच गया, बोलो कितना बच गया, 10,000 बच गया। अभी 10,000 को फिर 3,000 तीनों में बांट दिया, कितना बच जाएगा, बोलो जोर से, आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, 1,000 बच जाएगा।
अभी 1000 को फिर 300-300 करके बंटवारा कर दिया, कितना मिल जाएगा? 100। फिर 100 को लेकर लड़ाई हुई, बोले हमें मिलनी चाहिए। फिर 100 में हमने 30-30-30 करके बांट दिया, कितना रह जाएगा? 10। फिर 10 को लेकर लड़ाई हुई, फिर हमने 3-3-3 करके बंटवा दिया, कितना रह जाएगा? 1। एक श्लोक में 4 चरण है। अभी इसको भी लेकर लड़ाई हुई, फिर उन्होंने एक चरण दे दिया। अभी एक चरण बाकी रह गए, बोले एक चरण में जो अक्षर है 8 अक्षर है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये एक चरण, समवेत जुजुस्सवा 2 चरण, इसलिए एक चरण में 8 अक्षर। फिर इसको लेकर लड़ाई हुई, फिर शंकर जी इसके दो अक्षर दे दिया तीनों को, कितना लास्ट में कितना बच जाएगा? 2। शंकर जी बोले देखो मैंने बहुत परिश्रम किया है भैया, मुझे तो कुछ मिले, ये 2 अक्षर में और किसको नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर मैं रख लूंगा। बोले ये 2 अक्षर क्या? बोले राम राम मां, ये 2 अक्षर, इसलिए शंकर जी गले में, इसलिए कहते हैं पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी, इसलिए शंकर जी पंचमुख में क्या करते हैं? राम की नाम को जप करते हैं। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, इसलिए राम नाम की इतने महिमा। अगर किसने ये राम, ये जो 2 अक्षर है, अगर किसने अपना हृदय में धारण कर लिया, मतलब है, मतलब ये समझो पूरी रामायण अपने हृदय में रख लिया। अगर राम म 2 अक्षर पढ़ लिया तो पूरी रामायण पढ़ना हो गया। रामायण का जो सार है, भगवान श्री राम ही रामायण का सार है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कहा कहू लागी नाम बढ़ाई, राम ना सकोई नाम गुण गाई। कहते भगवान राम भी अपना महिमा, नाम की महिमा राम भी नहीं बता सकते हैं। बोले जिस समय पुल बन रही थी, सब बंदर लोग पत्थर ला रहे थे इसको पर, प्रभु राम का नाम हनुमान लिख करके जब छोड़ रहे थे ना, वो पत्थर भी पानी को पर तैर रहा था, भगवान राम बैठ बैठ करके बड़े आश्चर्य में पड़े। बोले मेरे नाम में इतने शक्ति है, पत्थर के ऊपर मेरे नाम को लिखो तो नाम भी तैर रहा है। इतने में भगवान राम ने सोचा भैया मैं भी एक पत्थर उठा कर फेंकता हूँ, देखता हूँ डूबता ना तैरता है। बोले अगर इनको सामने में फेंकू, अगर डूब गया ना मेरे नाखन कट जाएगी। बोले कि आपका नाम को लिख करके तो छोड़ रही है तैर रहा है। अरे भगवान राम स्वयं जब पत्थर को फेंको डूब गया, भगवान राम ने सोचा एक झाड़ी को अंदर में जा करके पत्थर उठाकर फेंकता, जब उन्होंने पत्थर उठाकर फेंका डूब गया। भगवान राम बोले ये क्या हो रहा है, मैं स्वयं राम हूँ, मेरे नाम के बल पर पत्थर तैर रहा है, मैं स्वयं राम फेंकता हूँ तो डूबता जा रहा है, एक पत्थर 2 पत्थर। हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु जी कहाँ गए, प्रमिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी बोले प्रभु दिख नहीं रहे। इतने में हनुमान प्रभु राम को बोले प्रभु का देखा, बच्चे जैसे पत्थर उठा करके पानी में फेंकते हैं ना, ठाकुर भी छूप करके झाड़ी के अंदर में पानी में पत्थर फेंक रहे। बोले ये प्रभु की ये कौन सा लीला है? हनुमान जी झट प्रकट हो गए। राम तो सोच रहे थे कोई देख नहीं रहा था, लेकिन हनुमान जी देख लिया। भगवान राम बोले तू कहाँ से आ गया?
बोले प्रभु आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। बोले प्रभु ये बताओ आप बच्चे जैसे पत्थर उठाता है बोले पानी में क्यों फेंक रहे हैं। भगवान राम बोले हनुमान मेरे मन में एक शंका आ गई। बोले आपकी मन में? बोले हाँ हनुमान जी। बोले बताओ? बोले तुम लोग मेरे नाम को पत्थर को ऊपर लिख करके पानी में छोड़ रहे हो और ये पत्थर तैर रहा है। माता जी वहीं पर किसको यहाँ भेजना है? इसलिए बोले तैर रहा है, मैं स्वयं राम हूँ, मैं स्वयं राम हूँ, मैं पत्थर उठाकर फेंकता हूँ तो पानी में ये पत्थर डूबते जा रहा है। हनुमान जी मेरे समझ में नहीं आ रही है। देखो आप भी ध्यान से सुनो। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो सीधी सी बात है। बोले सीधी सी बात क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले ये पत्थर क्यों तैर रहा है? चूंकि उसने आपका नाम की आश्रय लिया। जो व्यक्ति आपके नाम का आश्रय लेगा कहते हैं ना हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जो तेरे नाम का लेते भवसागर से पार हो जाते हैं, इसलिए पत्थर तैरता है। लेकिन आग फेंकने पर पत्थर डूबता ही क्यों? बोले आप कौन हो? विश्व ब्रह्मांड का मालिक प्रभु राम है। अगर आप किसी चीज को उठाया फेंक दिया, फेंकना मतलब आप उसको छोड़ दिया, आप उसको त्याग दे दिया, दुनिया का मालिक आप हो। अगर आप इसको छोड़ दोगे त्याग दे दोगे तो कभी तैर सकता है व्यक्ति? वो कभी तैर सकता है? कभी? वो तो डूब ही जाएगा, इसलिए तो डूब रहा है। हाँ भगवान बोला यही बात। बोला हाँ, इसलिए कहते राम ना सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी स्वयं अपना नाम की महिमा स्वयं ठाकुर जी को पता नहीं। आप बताओ प्रभु राम ने कितने लोगों को उद्धार किया? भगवान सोचोगे तो प्रभु राम किसको उद्धार किया नहीं, क्योंकि वो अपना भक्तों को लेकर क्या लीला करके चले गए। लेकिन अभी छोड़ कर किया गई अपना नाम राम छोड़ कर गए। जो व्यक्ति प्रभु राम का नाम लेता है अनंत करोड़ों व्यक्तियों को जो राम का नाम आश्रय लिया सबके सब भव सागर से पार हो गए। इसलिए उन्होंने नाम की इतने महिमा, इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण देकर समझाए। आप लोग देखना जैसे खेती करते हैं ना, जैसे गेहूं का नहीं तो धान का बीज को खेती में ऐसे ऐसे फेंक देते हैं ना, लेकिन देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े। लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है बताओ? कैसे होता है? आप बोलो, कुछ बोल नहीं रहे। वो सीधा होता है भले ही बीज उल्टा पड़े सुलटा पड़े। इसलिए कहते हैं जो प्रभु का जो राम का जो नाम है उल्टा से लो नहीं तो सुलटा से लो। इसलिए वाल्मीकि पहले कौन थे? दशरथ नगर थे। जब नारद जी बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, राम का नाम नहीं निकला। नारद जी बोले तू मारो मारो बोलता था ना? बोले हाँ। बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ, मरा मरा तो बोल सकता हूँ। इसलिए उल्टा नाम जब तक जगह जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना और नाम ले तो भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माई। अगर दसु रत्ना कर अगर मरा मरा करते करते वाल्मीकि बन जाए। हम लोग लवकुश देखे होंगे, लवकुश कह रहे ना प्रभु राम को हमारी गुरुदेव आपका बड़े सुंदर काव्य को रचना की, संपूर्ण चरित्र को उन्होंने लिपिबद्ध किया हमको पढ़ाया। लेकिन हमारे गुरुदेव अभी तक तो हमको जो पढ़ाया हम तो वही बोल सकते हैं, लेकिन उसको आगे की लीला गुरु जी जानते हैं। मतलब वाल्मीकि जी राम आने से पहले उन्होंने रामायण को लिख दिए।
मतलब कैसे, बोले प्रभु का नाम में इतने शक्ति है। अगर हम भी अगर ठाकुर का नाम लेंगे ना, अब बताओ अगर वो उल्टा नाम लेते लेते अगर रामायण लिख सकते हैं, अगर हम सीधा नाम लेते तो क्या नहीं कर सकते, ले सकते हैं ना। आपके एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा, देखो ये स्टोरी सुनाओ, प्रभु नाम को हमें क्यों करनी चाहिए, नाम में कितने शक्ति है, नाम की क्या महिमा है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन ये स्टोरी सुनाने के बाद मैं दो बार आपको पूछूंगा, और जो बोलेगा तो मैं इनाम दूंगा, और जो नहीं बोल पाएगा ना तो बीच में खड़े कर दूंगा। अब इसका ध्यान देकर सुनो, और देखो ये स्टोरी से मैंने कितने लोगों को परिवर्तन किया तुम सोच नहीं सकते हो, कितने लोगों को प्रभु के भजन में हमने लगाई, इसलिए ध्यान देकर सुना। आप इसको याद करके जिसको भी सुनाओगे ना वो प्रभु के भजन में लग जाएंगे, ठीक है, ध्यान देकर सुना। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी, चार। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो जिस समय में जिस चीज की मांग करती थी उसी समय में ला ला करके उसकी इच्छा को पूरी करता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो देखने में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था उसको बड़े सुंदर उसको श्रृंगार से सजा देता था, और उसको पास में बैठा करके दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी देखने में कितनी सुंदर है, हर व्यक्ति चाहता ना पत्नी मेरी सुंदर हो। अभी जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती, दुनिया यही चाहते हैं, घर में जब आए पत्नी इतनी मीठी मीठी बोली बोले सारा दिन परिश्रम हमारी दूर हो जाए, यही चाहते ना, ऐसे नहीं पत्नी आते ही सारा घर की सारे झमला सारे झगड़ा बताना शुरू कर दे, नहीं नियम नहीं है। हाँ पति जब बाहर से आए मीठा पानी पिलाओ, पास में बैठाओ, गर्म रोटी पिलाओ, हवा पंखा से हवा कर, जैसे सारा दिन का परिश्रम दूर हो जाए। इसलिए वो जो घर में आता था क्योंकि वो मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा उसको पास में बैठता था और किसको पास में नहीं, क्यों, बड़ा प्यारी प्यारी बात बोलती थी बना बना करके, राजा खुश होता था और मन की बात और किसी को नहीं किसी रानी को बोलता था। राजा की जो चौथी रानी थी है तो बड़ी अच्छी प्यारी थी, लेकिन जब से राजा उसको घर में साझी करके लाया ना तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल क्रीम है कि नहीं, कभी बेचारी पूछता नहीं था उसको, उसको घर की एक कोड़े में फेंक रखा था, बेचारी बड़ी दुखी रहती, शादी करके लाए कुछ पूछता नहीं। अभी राजा का अंतिम समय आया संसार छोड़ने का, सोचा मेरे चार चार रानियां हैं इनसे पूछ कर देखता हूँ कौन मेरे साथ में कितना दूर तक जाएगा। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, आप लोगों को बताओ बड़ी रानी कौन थी, इतना जल्दी भूल गए तो मुझे बता दे सबसे बड़ी रानी कौन थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था प्रेम करता था, वो जो मांगती थी वही वही चीज को ला कर उसको देकर खुश करता था। तब सबसे बड़ी रानी से पूछा, बोले रानी तुम मेरे साथ में चलोगी, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी, बोले क्यों, जो मांगती थी वही तो ला करके मैं तेरे को दिया करती थी, बोले तुम्हारा कर्तव्य बता, बोले तेरी बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला, सबसे बड़ी रानी सबसे पहले धोखा देने वाले दे ही निकली, तो सोचा दूसरे से पूछ, दूसरे कौन थी, बहुत सुंदर थी। हाँ आप लोग ध्यान देकर सुन रहे हैं, इसलिए जो सबसे सुंदर थी राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, बोले रानी तू क्या करोगी साथ में चलोगी, बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रही तू तो मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी, बोले पहले तो दुनिया को दिखा करके रखा था, जहां जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगा। इतना सुनते ही राजा का प्यार के नीचे से जमीन सड़ गई, बोले ये क्या बोलती है, बोले तीसरे से पूछती, तीसरे कौन थी, हाँ जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा मन की बात जिसको सुनाया करते थे, बोले तू छाप में चलोगी, वो थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले राजा चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ सकती है लेकिन उसको आगे मैं नहीं चलूंगी, बोले तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी कोई चलना चाहिए, बोले वही तक तो मैं जा सकता। अभी सोचे चौथी की पूछू, पहले तो सोच रहा था पूछू कि नहीं पूछू, जिसके लिए करोगे उसको पूछ सकते हो, जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे, उसके लिए तो जिंदगी में कुछ किया नहीं। तब भी उसने सोचा जब रानी एक बार पूछ कर देख लेता
बोले रानी तू साथ में चलोगी? सुनते ही तो रानी बिगड़ गई, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तो जब से मेरे को शादी करके लाए हो, कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल क्रीम है कि नहीं? जिंदगी भी तो मेरे को घर की कोने में फेंक रखा, अब मरने से पहले तू बोल रहे हो मेरे साथ में चलो? वो देख राजा, तुमने देख लिया ना जिन जिनियों को तुम प्रेम करता था कौन कहाँ तक गए, देख लिया ना? बोले हाँ, मैं देख तेरे को, मैं दीन दीन से तेरे को मैं प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी, काम करके भी तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़े, जिनके लिए मैंने जिंदगी में किया कोई जानने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ किया नहीं वो जानने के लिए तैयार। हाँ देखो, ये जो कथा है ना, ये और किसकी कथा नहीं है, हमारे जीवन की कथा। वो राजा और कोई नहीं, राजा हम ही है, हमारे भी चार पत्नियां हैं, हमारे भी चार रानियां हैं। इसकी रहस्य को समझो और कोशिश करो इसकी शिक्षा को उतारने के लिए। कहते जो हमारे जो चार रानियां हैं, सबसे बड़ी रानी कौन है? जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग करती है वही चीज को उसी समय में ला ला कर इसको देते हैं। कहते भैया ये कौन है जो सबसे बड़ी रानी, जिसको ज्यादा सबसे प्रेम करते हैं? किसको करते हैं ज्यादा प्रेम? किसको करते हो आप लोग? बोलो किसको प्रेम करते हो? किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हो? किसको इच्छा की पूरी कर रहे हो? कहते ये शरीर, ये शरीर है सबसे बड़ी रानी, ये शरीर है। इसलिए ये शरीर देखना, जिस समय में हम ऐसे सूट सलवार पहनाना चाहते बोले पहनाएंगे, बोले गोल गप्पे खाना चाहते बोले खिलाएंगे, बोले ऐसे पराठा खाना चाहते बोले चलो खिलाएंगे। हैं देखना, ये शरीर जिस समय में जिस चीज की मांग करती है, भले ही हमें कुछ करना क्यों नहीं पड़े, उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं। लेकिन अंतिम समय आया, ये शरीर से पूछे साथ में चलोगी? आप बताओ साथ में चलेगा कि नहीं शरीर? इसलिए कहते हैं जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये शरीर से जब परमात्मा चले जाए, ये शरीर एक कदम भी नहीं चलेगी, यही के यही रह जाएगी। गई शरीर सबसे बड़ी रानी। दूसरी आई जो सबसे पत्नी सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था, बोले सुंदरी कौन है? इसलिए कहते ना सबसे कहते ना बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा सबसे सुंदरी। क्योंकि पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता। पैसा कमाने में कितने कठिन, जो कमाते हैं उनको पूछो बताएंगे। सबसे सुंदरी पैसा रहेगा तो जैसे दुनिया को दिखाया करता था, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, पैसा की कमाल है। पैसा से पूछे पैसा तुम साथ में चलोगी? कहते चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तुम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? आज पैसा हमारे पास में, बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कितने कहाँ पर एटीएम में कार्ड में बैंक में कितने पैसा, बच्चों का वही नजर रहती है। अरे ये शरीर छूटते ही पैसा क्या होता है, झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाए। अगर किसको बोलो ना थोड़ा भगवान की भजन करो, थोड़ा समय दो, बोले समय कहाँ? बोले क्यों? बोले बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाओ ना। ध्यान देकर सुनो, हमारे गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, मना करते थे गुरु जी। बोले क्यों? बोले बेटा अगर तुम्हारी होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक भी बनेगा ना, जितने पैसा तुम कमा करके जा रहे हो, जुआ खेल करके, शराब पी करके, मांस खा करके, सब लुटा देगा। क्योंकि उसको तो पता नहीं चलेगा ना पैसा कहाँ से आई, पिता ने कितने कष्ट करके। भैया समय लगाओ तो प्रभु की भजन में समय लगाओ। इसलिए शरीर छूटते क्या होता है, ये पैसा झट दूसरों का नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए वो क्या कहती है, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। बोले जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा, मैं तेरे साथ में जाने वाले नहीं। अभी आई तीसरी पत्नी, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, ये कौन है? बोले पत्नी है। पत्नी को पास में बैठी बैठी मीठा मीठा बोली सुनते हैं ना, मन की बात बोलते हैं। पत्नी की नंबर आई, बोले तू साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा लगा चलूंगी। हमारे हिंदू धर्म में पत्नी कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक जाएगी, उसका आगे नहीं जाती है। परिवार वालों से पूछे चलोगे कि नहीं? बोले क्यों नहीं चलेंगे,
तेरे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे, अरे राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक ले जाएंगे, वहीं पर जला करके टा टा करते करते घर में वापस आ जाएंगे। बोले उसको आगे और नहीं जा सकते। अभी ध्यान देकर सुनो, जो काम की बात है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा, बेकार मान कर घर की कोड़े में फेंक रखा कचड़ा जैसा, लेकिन राजा जब उससे पूछा है ना, केवल वही जानने के लिए तैयार है। अभी प्रश्न है, जीवन में हम जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके किसको रखे हैं? किसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे हैं? बोले भगवान की भजन को और भक्ति को। अगर किसको बोलो ना थोड़ी सी हरिनाम करो, इधर देखो बात मत करो, ए बीच में बात क्या कर। अगर किसको बोलो थोड़ा हरिनाम करो, ए सब बेकार काम है, जिसका पास में कोई काम धाम नहीं ना, वही बैठ करके हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारी बहुत सारी काम है, क्या देखें, टीवी देखेंगे, स्मार्टफोन देखेंगे, हैं दुनियादारी की बात करेंगे, लेकिन भजन की बात बोलो ना, कोई भी प्रभु की भजन करना नहीं चाहते हैं। इसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके हम रखें, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोगों सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? ऊपर जो लेटा हुआ है। बोले देख बेटा, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रही है, एक सुई धागा भी यहाँ से तू ले नहीं जा रहे। क्या जा रहा है? जितने तुमने राम के नाम लिया, जितने तुमने कृष्ण के नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं, और सब कोई बात झूठा है। इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किए हो, तुमने केवल झूठे में जीवन बिताया, यहाँ से कोई भी तेरे साथ जाने वाले नहीं। बोले सत्य बोल गत्य है, मतलब क्या? अगर सत्य प्रभु का नाम है, अगर तुमने प्रभु का नाम लिया ना सत्य, अभी तुम्हारी कोई गति है, नहीं तो तुम्हारी कोई गति नहीं। इसलिए मीरा क्या कहती है? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब सुअमोल मेरे सदा गुरु, बस अमोल मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम लोग ये भजन सब गाते हैं, आप सब जानते हो, ये मीरा जी भजन। बोले पायो जी मैंने, मतलब मैंने पाया। बोले क्या पाया? बोले जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही पाया, और जगह में सब ही पायो है। बोले चोर नहीं लगे लूटे नहीं जावे, दीन दीन भरत सवास। ये था, देखो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में भोजन है। लेकिन महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बताए, देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करोगे? बोले जो लखपति बने। आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए, क्या हमारे घर में भजन नहीं करोगे? अरे भगवान सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम लेते हैं, 1,00,000 जो नाम लेते हैं। उस दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, उस दिन पहले आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। आप मेरे तरफ में देखो, लखपति आप लोग कैसे बन सकते हो? मेरे तरफ में आप लोग देखो, देखो जैसे ये माला है ना, जैसे ये माला में जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो हरे राम 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 हरे हरे, बोल कर ना एक मोती सरका से है, फिर दो बार बोल कर दो मोती करते करते जब यहाँ खत्म हो जाता है, इसको पार नहीं करते,
फिर ऐसे घुमा देते हैं, इसमें 108 होती है। देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया है एक मोती, इसमें 108 मोती है। अगर हमने 16 राउंड कर लिया तो 25,000 हो गया, अगर 64 माला कर लिया तो 1,00,000। महाप्रभु कहते 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले ब्याज कितने मिलेगी, बोले दीन दीन बढ़त सवाल। आज अगर 1,00,000 किया ना, कल तुम्हें 1,25,000, 4 दिन में 2,00,000, अरे ये तुम्हारी खाता में सब डिपॉजिट हो रही है, खाता में सब डिपॉजिट हो रही है। जब ऊपर जाओगे ना, एक काफी बोले कहते माला ईमान तुम्हारे लिए। गोलोक वृंदावन जो भजन करते है ना, उनको गोलोक वृंदावन से रथ आता है लेने के लिए, उसको क्यों, भगवान के नाम जप किया है। और अंतिम समय में यही बोलते बोलते ले जाएंगे, ठीक है ना। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, बताओ चार रानियों में सबसे ज्यादा कौन से रानी को प्यार करोगे? अरे बोलो जोर से बोलो, कौन से रानी को सबसे प्यार करोगे? हाँ, जो चौथी रानी है। चौथी रानी क्या है? भगवान की नाम है, ठाकुर जी की नाम है, ठीक है ना। आप लोगों को, आप लोगों के एक एक में माला दूंगा, ठीक है ना, एक एक माला दूंगा इसको लेकर। आप भी हरि नाम करो, बच्चों को भी हरि नाम कराओ। कहते ना, राम जैसे बेटा हो और सीता जैसे बहू हो, और लवकुश जैसे नाती पोती हो, बस क्या हो गया, वही अयोध्या है। अयोध्या मतलब क्या है? जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है। अवध मतलब क्या है? जहां पर कोई मरते नहीं। घर कब, ये राम घर कब हमारी अयोध्या बनेगा? जब हम सबके सब भगवान की भजन करेंगे, हरि का नाम लेंगे, तब ये घर हमारे घर नहीं क्या बन जाएगी, यही अयोध्या धाम बन जाएगा। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री अवधपुरी की, ठीक है। आप लोगों को एक एक माला दूंगा, ठीक है। जब करोगे कौन कौन करेगा, हाथ उठाओ। अरे यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छी बात है। एक एक माला दे दो तो जब हाथ हाथ उठे, अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर, अब कीर्तन कीर्तन जाओ। जो माला लगा इधर आ जाओ, एक एक आपको माला देता हूँ। आपको जो माला दे रहा हूँ ना, आपको नीम की माला आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। जब इसको जप करते करते धीरे धीरे, कोई गंदी चीज हम नहीं लेंगे, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कुछ खाओगे नहीं, फिर हम तुलसी माला देंगे। अगर होगा तो कभी इसी मंदिर में आएंगे, ये मंदिर तो हमें बहुत अच्छा लगा। पुजारी जी कहूँ, कौन है पुजारी जी, इधर आ जा। देखो ये भैया भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, और हनुमान की कृपा के बगैर राम की भक्ति नहीं मिलते। बहुत अच्छे सज्जन हैं व्यक्ति है, हाँ बहुत अच्छे तरह से हनुमान की सेवा करो। इधर आ जाओ, कौन माला लगा, एक एक कर इधर आओ। बोले गुरुदेव की पूरा।